यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आपकी जिंदगी में आपको ऊंचे स्थल में जाना है, यीशु को प्रथम स्थान दो। बोलो प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मेरी व्यवसाय में, मेरी परिवार में, मेरी बच्चों की जिंदगी में, कलिशिया में, मिनिस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में, मैरिटल रिलेशनशिप में, यीशु यू आर नंबर वन। परमेश्वर तू ही प्रथम, तू ही सब कुछ। आज के दिन में आप हो सकता है गरीब होंगे, हो सकता है परेशान होंगे, हो सकता है बीमार होंगे, हो सकता है ऐसे दुख तकलीफ में होंगे आपने किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, हो सकता है ऐसे भारीपन लेके आप अपनी इस कलिशा में इसी टाइम आए होंगे। मुझे फील हो रहा है ऐसे ऐसे लोग भी इसी टाइम उपस्थित है। इसी टाइम आप बहुत बहुत गंभीर हेवीनेस आपके ऊपर है। मैं ऑल्टर में भी एक्सपीरियंस करा था, बहुत हेवीनेस है आपके ऊपर। हो सकता है आज इसी कलिशा में आप छोड़ के जा सकते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप छोड़ के जा सकते हैं। जब आप यीशु को नंबर वन देंगे, आपके ऊपर लगाया हुआ जो जितनी भी भारी चीज है वो हटाएगा। आपके सिर में जो चीज लगा पड़ा है, डाला पड़ा है, सब चीज मेरा मसीह हटाएगा। आपको लाइट फील कराएगा। आप अपने ऑटोमेटिकली चलना शुरू करेंगे। अपनी आवाज उठा के आपकी टॉप वॉइस में आपको आज आराधना करना है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मेरी बीमारी से, मेरी गरीबी से, मेरी परेशानी से, मेरी दुख तकलीफों से, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आप हो सकता है पहली बार आए होंगे, हो सकता है बहुत टाइम के बाद आएंगे। यीशु की दया, उसकी ग्रेस वो किसी को भी दे सकता है। ग्रेस चेंजेस एवरीथिंग। मेरी लिविंग रूम में एक बोर्ड है, एक वर्स लिखा हुआ, ग्रेस चेंजेस एवरीथिंग। दया सब कुछ बदल सकता है। अगर परमेश्वर की दया एक बार आ गया, सब कुछ बदल सकता है। आपकी दुखों को, परेशानियों को, गरीबियों को, ग्रेस चेंजेस एवरीथिंग। परमेश्वर की जो दया है, जो मर्सी है, जो करुणा है, सब कुछ बदल सकता है। आपके ऊपर उसकी करुणा आ सकता है, दया आ सकता है, उसकी मर्सी आ सकता है। आपकी आराधना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी एटीट्यूड देखे, आप कितनी सिंपल होके प्रभु के प्रेजेंस में आ रहे हैं, सब बहुत कुछ परमेश्वर देख सकते हैं। आपकी आपकी एटीट्यूड देख सकते हैं, आपकी आपकी आराधना करने का तरीका परमेश्वर देख सकता है, आपकी गिविंग देख सकता है परमेश्वर, आपकी सिचुएशन देख सकता है, किसी और का प्रार्थना भी देख सकता है। जरूरी नहीं आपके लिए किसी और ने प्रार्थना किया, वो भी ना सुनेंगे परमेश्वर। परमेश्वर सुन सकते हैं, आपने प्रार्थना नहीं किया फिर भी आप चंगाई होके लेके इस कलिशा से वापस जा सकते हैं, क्योंकि किसी और ने आपके लिए प्रार्थना किया। आप हो सकते हैं मसीह को विश्वास ही ना करेंगे। बहुत बार ऐसे से भी इंसिडेंट्स है कलिशा में, जो अविश्वासी, जो कोई भी धर्म जाति में विश्वास ही नहीं करता, परमेश्वर में विश्वास ही नहीं करता, वो चंगाई लेके जाता है। उसका भी अनएक्सप्लेनेबल है, क्यों मिला, कैसे दिया, मैं नहीं जानता। हो सकता है किसी और की प्रार्थना, हो सकता है उस कलिशा की ताकत, उस मिनिस्ट्री की ग्रेज, उस परमेश्वर की ग्रेज, उस ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने दिया हुआ। आज आप इसी कलिशा में आराधना के साथ, आप एक्सपेक्टेशन के साथ आए हुए, प्रभु इस ग्रेज, इस दया मुझे चाहिए। परमेश्वर तेरे नाम सबसे ऊंचा है। आप अपने आप को ऊंचा मत करो। आपकी मिनिस्ट्री, पर्सनल लाइफ, व्यापार, आपकी चलाकी को, आपके सोच विचारों को, स्ट्रेटजी को, कनेक्शंस को कोई प्रथम स्थान ना दो। बिकॉज मेरे पास ये ताकत है, मैं अंग्रेजी छाड़ सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये कनेक्शन है, मेरी चाचा मामा ये जानता है, इसलिए मैं हो सकता हूँ। वो सब हटा के नीचे रखे, यीशु को प्रथम स्थान दो। प्रभु तू मेरी जिंदगी में इसलिए हो जाएगा। परमेश्वर तू मेरी व्यवसाय में इसलिए हो जाएगा। प्रभु तू मेरी शादी में इसलिए हो जाएगा। प्रभु तू मेरे बच्चों की जिंदगी में इसलिए हो जाएगा। जब यीशु को पुकारते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ होना है। जब उसके नाम में ताकत है, अगर आप यीशु को जानता है, उसकी नाम में ताकत है। यीशु का नाम कोई भी ले सकता है, बट आपको एक पर्सनल संबंध है परमेश्वर से, आपकी प्रार्थना और सुनाई जाएगी, आपकी संबंध देखेगा परमेश्वर, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, यीशु का कैरेक्टर को आप कितने जानते हैं, उसके लहू को आप कितने जानता है, वो आप देखेगा। आज इस महीने की पहली बुधवार को आपने आया, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठा, आप सही तरीके से आपकी हफ्ता शुरू कर रहे हैं। आपने सही डिसीजन लिया, प्रभु मैं प्रथम स्थान तुझे देना चाहता हूँ। बहुत सारे मूर्ख लोग आए नहीं, बहुत सारे लोग विश्वासी होने के नाते आए नहीं है। हो सकते हैं घर पे बैठे होंगे, हो सकते हैं आज आईपीएल की मौज में बैठे होंगे, या टीवी या कुछ और प्लान में होंगे, बट आपने सोचा प्रभु इस हफ्ते शुरू होते ही मैं तुझे प्रथम स्थान देना चाहता हूँ। आपके हाथ में सैलरी आ चुका होगा, आप फिर भी आप प्रथम स्थान देना चाहते हो। जब हाथ में कुछ नहीं होता, दुनिया, परमेश्वर, भगवान पुकारते हैं, बट आपकी पॉकेट में जब पैसा होता है, आशीष होता है, सब होता है, उसी भी आप प्रथम स्थान देना चाहता है, क्योंकि आप आपकी ग्रेस को मैस आप संभाल के चलना चाहता है। आप बोलते हैं परमेश्वर सब कुछ तू ही है प्रभु। आज के दिन में आप
एक और बार इस गीत को बोल दो, आपकी टॉप वॉइस में आपको वर्शिप टीम को फेल कराना है, हराना है आपने। उनके पास माइक होंगे, आपकी इतनी ताकत होना चाहिए, उनकी आवाज कम जाना चाहिए। जब जब पुकारेंगे यीशु तेरे नाम सबसे ऊंचा है, मेरी बीमारी से, मेरी गरीबी से, अपनी सातान जो हमारे आसपास है जो सुन भी रहा हो उसको बोल दे, मेरा यीशु का नाम जो गरीबी तू मुझे लेके आ रहा है उससे ऊंचा है, जो बीमारी सातान तू लेके आ रहा है उससे ऊंचा है, जो परेशानी तू लेके आ रहा है उससे ऊंचा है, जो प्रॉब्लम तू लेके आ रहा है, जो कंफ्यूजन तू लेके आ रहा है, तू लड़ाई तू लेके आ रहा है मियां बीवी, जो प्रॉब्लम जो जो नशे तू मेरे हस्बैंड के बीच में लेके आ रहा है, सातान इस सबसे ऊंचा मेरा यीशु का नाम है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। तेरी प्रॉब्लम्स अब मेरे सामने घुटना टेक, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप यीशु का स्पिरिट कैरी कर रहे हैं, सब सातान को घुटना टेकना पड़ेगा। बोलते मेरे सामने तो घुटना टेकेगा, जब आराधना चलने के टाइम में उस सिचुएशन जो सामने आपका आपके चेहरे के सामने जो हंस रहे, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफ, जब आप आराधना करते फिर भी सातान आपके सामने आके जो हंस रहे हैं, बोलते डांस कर रहे हैं आपके सामने, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को दिखा रहे हो एक्सपीरियंस, आपको लगता है गरीबी आपके सामने डांस कर रहे हैं, उस परेशानी, उस हेवीनेस, उस जादू टोना आपके सामने डांस कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर लिया, आपने आराधना कर लिया, फास्ट कर लिया, फिर भी आपके सामने वो डांस जो कर रहा है, बोलते तू मेरे सामने घुटना टेकेगा, जब मेरा यीशु का नाम मैं पुकारूंगा, जब मेरा परमेश्वर के नाम मैं पुकारूंगा, मैं घुटना, तू घुटना टेकेगा, जब मैं मेरा यीशु के सामने घुटना टेकूंगा, तू मेरे सामने मेरी बीमारी के सामने घुटना टेकूंगा। अगर आप यीशु के सामने अपनी आंसुओं के साथ, अपनी दिल के साथ आप आराधना करोगे, हर परिस्थिति, हर जमान, हर इश्यूज आपके सामने घुटना टेकेंगे। विश्वास करो, बोले प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ प्रभु ईश्वर, इस वचन को मैं अपने लाइफ में स्वीकार करती हूँ, मेरे सामने हर परेशानी घुटना टेक है, हर कॉम्पिटिशन, हर एनिमी, हर ट्रबल मेकर्स, हर परेशानी और हर परेशानी बनाने वाला, हर ट्रबल बनाने वाला, हर ट्रबल मेरे सामने घुटना टेके, हर ट्रबल मेकर मेरे सामने घुटना टेके। सबसे ऊंचा मेरा अब्बा, मेरा पिता, मेरे परमेश्वर, इस कलीसिया में तुझे प्रथम स्थान है प्रभु, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारी सोचों में, विचारों में तुझे प्रथम स्थान है परमेश्वर। प्रभु मैं जानता हूँ जहाँ तुझे प्रथम स्थान देता है परमेश्वर, मिरेकल्स ऑटोमेटिकली होता है परमेश्वर, जहाँ ग्रोथ और अभिषेक ऑटोमेटिकली होता है परमेश्वर, तेरे नाम में वो ताकत है, तेरे नाम में वो शक्ति है परमेश्वर। हर सातान अंधकार तेरे सामने घुटना टेकता है पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ परमेश्वर की बात, जब तुझे हम प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर, प्रभु बातों में, सोचों में, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी लोग हो, कोई भी परिवार हो, तुझे प्रथम स्थान दे सकता है, घर की बाहर क्रॉस लगा सकते हैं, अपनी सोचों में, गाड़ियों में लगा सकता है, बट परमेश्वर उनके एटीट्यूड में, जब उनकी सोचों में, विचारों में वो 24 घंटे तेरे बारे में सोचता है, तब तू जानता है वो तुम्हें प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर, उठने बैठने में, खाने के टाइम में, बातों में, एक दूसरे की डीलिंग में, सब में, उनके माइंड में जब तू चलता है परमेश्वर, तब सचमुच में एक व्यक्ति बोल सकते हैं यीशु को मेरे दिमागों में, सोचों में प्रथम स्थान है। जब आप केवल बुधवार या रविवार या जब परेशान नहीं होने के टाइम में आप यीशु का नाम लेते हो, तो आपका जिंदगी में परमेश्वर का कोई प्रथम स्थान नहीं है। आप अपना जरूरत के टाइम में हाथ फैलाने वाला है, आपका हेल्पर की तरफ आप परमेश्वर को देखते हो, आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसे एटीट्यूड हो आपकी जिंदगी में, आप दिन में एक बार भी सोचते नहीं हो, एक बार भी आराधना आते नहीं आपके मुंह में, फिर आपको प्रथम स्थान ही आपकी जिंदगी में, आप नकली क्रिश्चियन है, आप नाम के लिए और दिखाने के लिए आप क्रिश्चियन है, आप सचमुच में क्रिश्चियन नहीं है, मसीहा की नहीं है, आप उस नैजरीन की चेला नहीं है आप, अगर आप सोचों में, विचारों में परमेश्वर लेख की वचन नहीं आ रहा, आराधना नहीं आ रहा, आप नकली है, आई एम सो सॉरी आपको ये कहने के लिए, बट आपको आज सुधरना है, बोलना है परमेश्वर मेरी सोचों में, मेरी विचारों में, मेरी व्यवसाय में, मेरी करियर में, मेरी बच्चों की जिंदगी में, सब कुछ तुझे मैं प्रथम स्थान दूंगा, मेरा यहोवा यीरे, तू ही मेरी प्रथम स्थान, तू ही मेरी सब कुछ है परमेश्वर। जब आप देंगे, आपको 4 घंटे की प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी रेशन लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना ऑटोमेटिकली टेकन केयर होगा चीज, क्योंकि वो जानता है किसको खिलाना है, किसको पिलाना है, किसको क्या देना है, अकॉर्डिंग आपकी प्रार्थना के अकॉर्डिंग, आपकी राइटियसनेस के अकॉर्डिंगली परमेश्वर आपको आशीष दिया जाएगा।
प्रभु धन्यवाद। मेरा प्रार्थना है परमेश्वर, जितने भी लोग इसी कलिशा में मेरी आवाज सुन रहे पिता परमेश्वर, इसी टाइम में उनके दिलों से बात कर, सोचों से बात कर, विचारों से बात कर परमेश्वर, सिचुएशन से बात कर परमेश्वर, तुझे वो प्रथम स्थान दिया जाए परमेश्वर। उनके सोच विचारों में हर चीज सेकेंडरी हो, व्यापार हो, परिवार हो, सब चीज सेकेंडरी हो परमेश्वर, तुझे प्रथम स्थान दिया जाए परमेश्वर। जब तुझे प्रथम स्थान देता है परमेश्वर, मैं जानता हूँ सब चीज ऑटोमेटिकली होता है पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता। पिता जैसे हम अभी वचन में टाइम बिताने जा रहे परमेश्वर, मुझे गाइड कर प्रभु। पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मेरी सोच विचार ना बोले परमेश्वर, तेरी सोच विचार बोले पिता परमेश्वर। पिता तेरी लोगों को भी बुद्धि दे, दिमाग दे, और सातान को भगा परमेश्वर, वो इस वचन को छीन के लेके ना चाहे पिता परमेश्वर। जो वचन उनकी जिंदगी में हजारों गुना फल लेके आ पाए पिता परमेश्वर, बुद्धि दे, सामर्थ्य है, वो अंडरस्टैंड कर पाए, वो ग्रेस को समझ पाए, इस दया को समझ पाए। पिता मैं जानता हूँ सुसमाचार और तेरी वचन की बातों हर बुद्धिमान बंदा भी नहीं समझ सकता, उसके लिए तेरी दया चाहिए, तेरी पवित्र आत्मा की दया चाहिए। मेरा प्रार्थना है मेरा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का दया जितने से छोटे से लेके बड़े लोग इसी कलिशा में इसी टाइम में सबके ऊपर दो परमेश्वर। दयावन परमेश्वर दो, अनुग्रहकारी परमेश्वर इनकी जिंदगी में कार्य कर, बड़े तरीके से कार्य कर पिता परमेश्वर, बुद्धि और सामर्थ्य भर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रसन्न में। मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ, जितने लोग पहली बार आए, बहुत टाइम के बाद आए, और हमारे रेगुलर मेंबर्स, आप सबको 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 स्वागत करना चाहता हूँ। हालेलुया। Isaiah 39:1-7 तक हम पढ़ेंगे। उस समय बलदान का पुत्र मरोदा बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिया के रोगी होने और फिर चंगे चंगे हो जाने की चर्चा सुन के उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इससे हिजकिया ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो वस्तु थी वह सब उनको दिखाई। हिजकिया के भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशाया नबी ने हिजकिया राजा के पास जाकर पूछा, हे मनुष्य क्या कह गया, वह मनुष्य क्या कह गया और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वह तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिया ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है, मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशाया ने हिजकिया से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कोई को वह बंधुआई में ले आएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन में रहेंगे। आमीन। हिजकिय्याह एक बहुत अच्छा राजा था, उसको ऐसे एक बीमारी हो गई जो उसकी जीवन जान जाने वाला बीमारी था, बट परमेश्वर ने उसको चंगा किया, अभिषेक किया, और उस टाइम एक ताकतवर राजा था, उसको चारों तरफ से दुनिया की देशों से लेटर्स आना शुरू हो गया, गिफ्ट आना शुरू हो गया। जब हम भी बीमारी से बाहर आ जाते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, घर में विजिट करने आता है, जी कैंसर से बच गया, तेरी आशीष हो गया, कैसे हो गया। ये राजा था, राजा को चारों तरफ से लेटर्स आना शुरू हो गए। उस टाइम की सबसे बड़े किंगडम था बेबीलोन, हमने सबने पढ़ा होगा ना हिस्ट्रीज में बेबीलोन किंगडम के बारे में, बहुत ताकतवर किंगडम था। उस देश की राजा ने भी लेटर भेजा, अपनी एम्बेसडर्स भेजा। हमारी हिजकिय्याह ने ऐसे एक बेवकूफ़ी कर दी, उनको सब चीज़ दिखा दी, मेरे पास इतनी आर्मी है, मेरे पास इतनी गोल्ड है, मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स है, मेरे पास ये सब कुछ है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर ने अपनी प्रॉफिट इज़ाया को भेजा उसके पास, बोला तूने किया इनको क्यों सब कुछ खोल के दिखाया, अपने घर, अपने भंडार, अपने सब चीज़ क्यों खोल के दिखाया। बोले इस कारण उस राजा आएंगे, तुझे ख़त्म करेंगे, तेरी बेटियों को लेके जाएंगे, तेरे लड़कों को लेके उधर अपना नौकर बनाएंगे। आप बोलेंगे ये टेस्टिमनी उन्होंने शेयर किया था,
आपकी टेस्टिमनी और आपकी घमंड में बिल्कुल जरा सा फर्क है। आप जब किसी से अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हो या आपकी अपनी घमंड शेयर कर रहे हो, जरा सा फर्क है। इसमें भी आप बोल सकते हैं तो इसने अपनी आशीष ही तो सबको दिखाया, आपकी हर आशीष सबको दिखाना नहीं। ये जो पढ़ाई मैं आज बता रहा हूँ, हर पादरी, हर मिनिस्ट्री, हर जगह से समझाया नहीं जाता, बहुत बार बता भी नहीं जाता आपको, कुछ गहरे गहरे बात है। चार पांच पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, ये आपको हर बार ध्यान रखना। हर विजिटर आपकी दुकान में, शॉप में, या आपकी नई गाड़ी, हर बंदे को आपको दिखाना नहीं है। इसलिए नहीं है नज़र, मैं रात में लास्ट में बताऊंगा। आपकी हर ब्लेसिंग्स, हर चीज़ हर बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकता। आपको बहुत केयरफुल होना है किसके साथ मैं बताऊँ, किसके साथ कर रहा हूँ। इसलिए नहीं नज़र लगाएं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। टेस्टिमनी देना ही चाहिए, बट आपको बहुत केयरफुल होना है। मैंने भी और बहुत मार खा के सीखा। मैं 50 बार बोलता हूँ, भाई साहब मेरे को चर्च की इनकम से लेन देन नहीं है, मेरा अपनी व्यवसाय उसमें से चलता हूँ। फिर भी मेरा घर पे कुछ लोग आते हैं जब नया एसी लगता है, बोलता है जी एसी तो पादरी ने अपनी चर्च के पैसे से लिया होगा। मैं मार खा के सीखा, हर बंदे को एंट्री नहीं है। अब मैं सोच समझ के बुलाता हूँ, फालतू चीज़ में हाथ नहीं डालता। मैं अपनी एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर किया आपके साथ। आशीष में नजर जाता है और उसमें आप अननेसेसरी अटेंशन दुनिया का लेके आएंगे। आप जब आशीष शेयर करते हो, दिखाते हो, इस राजा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा हर चीज में। आपकी नई गाड़ी हो, नई घर हो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आज देंगे। और आप जब प्रॉस्परस होंगे, आशीष होंगे, उसके साथ साथ सातान भी अपनी एनिमीज भेजता है। आप जब प्रॉस्परस होंगे, आशीष होंगे, बहुत सारे दुनिया से लोग आया, बट बेबीलोनियन राजा के नज़र ठीक नहीं था, उसको समझ नहीं आया, प्रॉफिट को समझ आया, परमेश्वर को समझ आया। सबको अपनी भंडार खोल के नहीं दिखाना, सबको अपनी आशीष नहीं बताना, सबको आप सब चीज़ अनुग्रह जो आ रहा है, हमारे अंदर एक दिखावट के एटीट्यूड होता है ना, शॉफ, 2 रुपये तो 200 दिखाएंगे। आप करेंगे ये आपको खतरनाक परेशानी में लेके जाएंगे। सातान स्पाइस भेजता है। स्पाइस मतलब क्या होता है? जासूस। एनिमी कंपटीशन आपको खत्म करने के लिए जासूस भेजता है बहुत बार। ये 3-4 चीज आपको याद रखने अपनी लाइफ में। गवाही खुलकी देनी है। आपको बीमारी से बचा दिया, जैसे हज़ाय को 15 साल बढ़ा के भी दिया परमेश्वर ने। उसके लाइफ खत्म होना था बीमारी से, बट उसने प्रार्थना किया, सब आपके आशीष दिया। आपके लाइफ में जो गवाही होंगे, आशीष होंगे, खुलकर दो, सबको बता दो। बट विजडम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या किससे शेयर करो, किससे ना शेयर करो। और मैंने एक बात बोला था शुरू में, आपकी टेस्टिमनी और आपकी घमंड में जरा सा फर्क है, एक रस्सी थोड़ी सी रास्ता ही है। आपकी टेस्टिमनी गॉड सेंटर्ड होना चाहिए। टेस्टिमनी में आप किसको ऊपर किया करना चाहिए? परमेश्वर को। टेस्टिमनी में हम बहुत बार, मैंने किया जी, मेरे दिमाग ने किया, मेरी स्ट्रेटजी ने किया, मेरी कनेक्शन ने किया, मैंने बैठ के प्रार्थना किया बहुत बार, मैंने 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 मैंने। परमेश्वर का नाम क्या है? आई एम। जब आप मैं बोलता हूँ, आप परमेश्वर का नाम ले रहे हो। परमेश्वर का नाम आई एम है, मैं। परमेश्वर से पूछा तू कौन है? आई एम व्हाट आई एम। आपको आपकी टेस्टिमनी जब भी आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसको ग्लोरीफाई करना चाहिए? परमेश्वर यीशु को ग्लोरीफाई करना चाहिए, कोई आदमी को नहीं, कोई कलिशिया को। आप आदमी को थैंक यू बोल सकते हैं, पास्टर को थैंक यू बोल सकते हैं, कलिशिया को, मिनिस्ट्री को, सबको थैंक यू बोलना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे परमेश्वर, जिसने आपको ताकत दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत एक बिल्कुल थिन लाइन होता है आपकी टेस्टिमनी और आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में। दूसरा, ये बंदा प्राइड भरा हुआ बंदा था। ये बंदा ठीक था, हेज़गाय ने अपनी लाइफ ढंग से शुरू किया, बट एक टाइम ऐसे आ गया, बीमारी से ठीक हो गया, संपत्ति ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो गया, अंधा संपत्ति। उसके बाद उसको बोलना शुरू हो गया, माई गोल्ड, ये मेरी सोना है, ये मेरी आर्मी है, ये मेरी लोग है। दाऊद कहीं भी बोलता है मेरी मेरी मेरी। दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर मैं तो चरवाहा था, मैं तो भेड़ बकरी चलाता था, उधर से उठा के तूने मुझे ये संपत्ति दिया, थैंक यू। पर हज़ाय कहीं नहीं बोलता। वो जब आप पढ़ोगे, पूरी प्राइड भरा बंदा था, मेरा 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 मेरा। इसलिए आपको गवाही आएंगे आपकी लाइफ में, उस टाइम आपको सोचना है
कहां से किसके साथ मैं शेयर करूं और कैसे मैं प्रेजेंट करूं। आपको छोटी छोटी गवाही भी आशीष देना परमेश्वर की लाइफ प्रोसेस में आगे कलिशा में देना, व्यवसाय में आप होंगे तब भी आपने देना है। मैंने सबसे ब्यूटीफुल अंधा पैसा दिया टेस्टिमनी मैंने सुना था हमारी जिस चर्च में मैं पहले विश्वासी गृह में जाता था, उधर एक बंदे ने अपने सेक्टर 15 में घर बनाया, 5-6 करोड़ खर्च किया और कलिशा से बहुत सारे लोगों को बुलाया, मतलब 8-10 करोड़ की घर है। उसके बाद चर्च घर को डेडिकेट किया, फिर सबको ऊपर टेरेस में एक पार्टी दिया। मैंने सोचा आज ये अपना शो ऑफ है भाई, पूरा इसकी अचीवमेंट पूरा दिखाएगा। बंदे ने 2 मिनट की टेस्टिमनी दिया, याद है आपको, 2 मिनट की टेस्टिमनी दिया। मैं एक पास्टर का बेटा हूँ, मेरी बाप साउथ इंडिया में है, ना बाप ने मुझे एक पैसा दिया, बाप के पास है नहीं, सिंपल पास्टर था पूरी जिंदगी में, हमारी परिवार में कोई व्यापारी है नहीं। मैं फरीदाबाद आया, 15-20 साल से परमेश्वर ने मुझे इधर तक खड़ा किया। वो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर सकता है, आपकी जिंदगी में कर सकता है, यही सिंपल 2 मिनट टेस्टिमनी था। मैंने इससे ब्यूटीफुल टेस्टिमनी कहीं नहीं सुना। अपनी कनेक्शन नहीं बताया, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताया, अपनी क्या है। बहुत बार गवाही जब देंगे बीमारी से भी हम सोचते हैं मैंने जी इतना फास्टिंग रखा जी, मैंने वो सब आप पर्सनली बता सकते हैं, स्ट्रेटेजी ये बताना भी चाहिए तूने किया कैसे, बट उसमें घमंड ऐड नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं ना मेरी चाचा ने मेरी मम्मी को गाड़ी में नहीं बिठाया, मैं गाड़ी लेके 15 साल से जिस चाचा को मिला नहीं उसको एक बार दिखाऊंगा जाके, वो भी संडे छुट्टी लेके जाऊंगा चर्च से। जिस परमेश्वर ने आराधना किया उस संडे आके उसको आराधना करने का टाइम है नहीं जी, मेरे को चाचा को जाके दिखाना है, मामा को जाके दिखाना है। टेस्टिमनी है घमंड है, वो घमंड है, टेस्टिमनी नहीं है, वो 100% टेस्टिमनी नहीं हो सकता। इसलिए आपको आपकी इंटेंशन क्या है, मैं टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं, चिढ़ाने के लिए किसी को या मैं अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए। प्राइड जिस दिन हमारा मिक्स होना शुरू हो जाएगा कोई भी टेस्टिमनी में भी, मैं सबसे ज्यादा आजकल मेरे लोगों को मैं वार्निंग करता हूँ कलिशिया ग्रोथ स्टेज में, भाई साहब प्राइड नहीं होना, प्राइड नहीं होगा खत्म हो जाएगा। तो वर्शिप में हो, छोटे काम करते, कुछ भी हो, प्राइड हो खत्म है, प्राइड हो खत्म है, गवर्नमेंट हो खत्म है। इसलिए बिल्कुल उस केयरफुल होके जाओ, टेस्टिमनी हो आपकी, सोच हो, विचार हो, बी केयरफुल, नहीं तो मैं और आप सब लोग खत्म है। आपको आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, बीमारी से, परेशानी से, गरीबी से, परमेश्वर हटाएंगे। जब गरीबी हटाएंगे ना, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ भाई साहब इस जगह से लेके जाके यार घर बनाओ, नहीं जी पैसा आने के बाद भी मैं उसी गली में बनाऊंगा घर, क्यों दिखाने मुझे, जहां मुझे पिछड़े किया, जहां मुझे भगाया, वो दिखाना किसको दिखाना है, परमेश्वर को थैंक यू बोलो। हेजगाए के अंदर बीमारी जब ठीक हो गया, सोना इकट्ठे होना शुरू हो गया, बैबिलोन से ज्यादा इज़राइल ताकतवर बनना शुरू कर दिया, उसको दिखावट आ गया, ए मेरे को दिखाना है। ये परिवार को खत्म करेगा, आपकी संपत्ति को खत्म करेगा। अगर आप पढ़ोगे जब बाइबल, लिटरली उनकी सब कुछ उखाड़ के लेके गया टेम्पल तक, उनके पास जो जो माल था वो जमीन से भी, फाउंडेशन से भी सोने निकाल के गया, जो उन्होंने बोला सब चीज हो गया। आप और मेरे लाइफ में ऐसे हो सकते हैं अगर मैं और आप केयरफुल नहीं है। ये नहीं आपकी टेस्टिमनी होने के टाइम पासी में चर्च में आके नहीं दोगे, हम नजर लगने से डरने वाले लोग नहीं है। वो परमेश्वर का आशीष ऐसा है, ऐसा है वो फेविक्विक लगा के चिपकाता है, वो कोई नहीं हिला सकता। फेविक्विक निकाल सकता कोई, फेविस्टिक ताकत लगाना पड़े ना उसका, उससे भी बड़ी वो है, कोई नहीं उखाड़ सकता आपका आशीष को। खुला बताओ मेरी यीशु ने किया, जहां यीशु का नाम देता है ग्लोरीफाई होगा, जहां मैं वो आ गया बस खत्म है। फिर कोई ना कोई आएगा उठा के लेके चले जाएगा। और टेस्टिमनी खुला देना चाहिए, मैं वचन भी दे रहा हूं आपको उसके लिए। डैनियल 4:2, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। आमीन। अंग्रेजी में लिखा, इट इज माय प्लेजर टू टेल यू अबाउट द मिरेकुलस साइंस एंड वंडर्स दैट द मोस्ट हाई गॉड हैज परफॉर्म्ड फॉर मी। ये कह रहे मुझे खुशी है जो परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दिया, अनुग्रह दिया, ये आप तक पहुंचाने के लिए। बाइबल में आपको टेस्टिमनी बताना गवाही बताना हजारों वर्ष है, जो परमेश्वर ने जो कार्य किया, मेरी जिंदगी में आशीष दिया, मेरी जिंदगी में अनुग्रह दिया, आपको बताना है। हम लोग कुछ लोग बताते भी नहीं है, कुछ लोग कम है
बताता ही नहीं, एक तो एक्सट्रीम जाता है घमंड में, एक तो बिल्कुल नहीं बताता नजर लगे। मैं बीच में किसी से शेयर करा तो उन्होंने बोला कुछ टेस्टिमनी कोई बंदा शेयर नहीं करना चाहता नजर लगे। मैंने बोला हाँ ये तो एक लोगों के बीच में सोच होता है, मुझे एड्रेस करना है एक चीज को, इसलिए मैंने अभी ये भी आपको समझा रहा हूँ, नजर कुछ नहीं लग सकता, ये नजर हटाने वाला नजर ही नहीं। तो इसलिए आशीष दे, खुला बताओ, सिस्टर शाइनी का गवाही सुनेंगे, इनके साथ एक ब्यूटीफुल गवाही है। प्रेज द लॉर्ड सिर्स, हालेलुया। बहुत आनंद का दिन है आज परमेश्वर ने जो मुझे दिया कि उसके उत्तम कार्य को जो उसने मेरे मेरे परिवार में करा मैं आप लोगों को बखान कर सकूं। गवाही मेरे बेटे की है, बहुत नॉटी है, अंश अनिरुद्ध जॉनसन। और जब इसके जब ये सेवन्थ में था बहुत कंप्लेंस थी स्कूल से, मैं बहुत हताश और नाराज थी, मैं रोती रहती थी। मैंने पास्टर जी से बोला, मैं पास्टर जी के पास आई, मैंने पास्टर जी ऐसा क्या है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, परमेश्वर के राज्य में काम करता है मेरा बेटा। परमेश्वर पास्टर जी ने बोला सिस्टर ये ब्लेस्ड है। पास्टर जी ने प्रोफेसी करी इसके लिए कि सिस्टर मैं आपको बोलता हूँ आप चिंता करना बंद करो, ये परमेश्वर के राज में इस्तेमाल हो रहा है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। परमेश्वर ने थोड़े दिन में मुझे एक और चिन्ह दिखाया, चमत्कार मेरे लाइफ में करा। विस्टन चार्टर्ड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है जिसकी जो एनुअल फीस अगर मैं कहूँ मेरी सोच से भी दूर है, लाखों में है। फिर वहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड को उनके बॉस ने कॉल करा और बोला अपने बेटे को ले आओ। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, हमने पास्टर जी से फिर बात करी, पास्टर जी ने कहा नहीं सिस्टर परमेश्वर की योजना है आपको। फिर इसका टेस्ट था, इसका टेस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य भरा मेरे बेटे को कि इसकी टीचर ने बोला कि CBSE के जितने बच्चे थे उनमें से अव्वल टेस्ट इस बच्चे का है। उस समय गवाही की गवाही है पैसे की बात मुद्दे में, वो स्कूल है विद्या संस्कार, आपने सुना होगा, जहाँ आम मतलब माँ बाप जिस जिन बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप की संपत्ति है 50-50 करोड़ की, क्योंकि साल में 5-6 लाख रुपए खर्चा है एक बच्चे को पढ़ाने में। उनको 70-80% डिस्काउंट दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 3.5 लाख का भी प्रॉफिट हो गया साल में, इंटू अगला 6 साल लगा दो 18-20 लाख रुपये परमेश्वर ने सेव कराया। वही गवाही है, 5-6 साल बच्चा पढ़ना है 18-20 लाख रुपया, वो लड़का सेवा करता है, वर्शिप टीम में कमिटेड है, परमेश्वर की वॉलंटियर है। जो माँ बाप जो महीने 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं वो माँ बाप भी उस स्कूल में उस बच्चों को नहीं डाल सकता। और आम एक परिवार की लड़का जब परमेश्वर के लिए सेवा करेगा वो अद्भुत करके दिखाएगा। हालेलुया। मेरे मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ वॉलंटियरिंग करो। किसी ने 2 कुर्सी आपको पीछे बैठने के लिए बोलेगा तो गुस्सा होके मत जाओ, वॉलंटियर का हेड का 2 डांड सुनो, क्योंकि फिर आप ऐसे बैठेंगे प्रॉफिट की बात मुद्दे के बाद गवाही देंगे। किसी ने बोल दिया पीछे चला गया, आशीष भी पीछे चले जाएगा। किसी ने आप इनकी लाइफ में कर सकता है, आपकी लाइफ में भी कर सकता है। किसी के लिए एक माँ के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे को फाइन एजुकेशन मिले, जो फरीदाबाद हम सोचते हैं ना DPS टॉप है, उनसे भी टॉप स्कूल है वो, गिन चुन के लोगों को लेता है, फॉरेनर्स बच्चे पढ़ता है। तो एक मैंने उसको भी बोल दिया भाई तेरे को ऐसे मौका अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर दोस्त बन सकता है अभी, परमेश्वर करेगा। एक वॉलंटियर एक वर्शिपर परमेश्वर के लिए सेवा करेगा, वो माँ बाप भी कमिटेड है, उनको भी खूब डांट सुनता है, उस माँ बाप सुनता भी है करता भी, फिर भी परमेश्वर के पीछे रहता है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ शुरू किया अब है ही नहीं, किसी ने एक आध डांट सुन लिया भाग गया, वो अभी भी बैठे कहीं भाग दौड़ी में लगा हुआ है। एक माँ बाप परमेश्वर का सेवा कर रहा है वो आंसर करता है, आप देखता है प्रभु। मैं बस इतना आपको कह रहा हूँ, इसलिए टेस्टिमनी परमेश्वर को थैंक यू बोलो, फादर थैंक यू सिस्टर, पिता धन्यवाद, पिता परमेश्वर हर टेस्टिमनीज जो तू हमारी जिंदगी में लेके आ रहे प्रभु, हर महिमा तुझे देते जा रहे परमेश्वर। परमेश्वर हमने क्या प्रार्थना किया प्रभु, हजारों पास्टर्स हजारों चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी तू सुनता नहीं है परमेश्वर, पर प्रभु उस ग्रेस के लिए धन्यवाद जो हमारी परिवार के लिए हमारी लोगों के लिए तूने कर दिया पिता परमेश्वर।
खुदा इस खुशी के लिए धन्यवाद, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हमारे बच्चे की ज़िंदगी में, वॉलंटियर्स की लाइफ में। खुदा मेरी प्रार्थना है जितने लोग सुबह आके मेहनत करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, अपने टाइम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तुझे सेवा करने के लिए, पिता परमेश्वर हर क्षेत्र में तुझको टॉप में लेके जाएंगे। पिता परमेश्वर, पिता हमारी विश्वास है तू करेगा करेगा करके दिखाएगा। पिता मैंने ऐसे हज़ारों टेस्टिमनी सुने पिता परमेश्वर जो वॉलंटियर्स की लाइफ में प्रभु काम करता है, वॉलंटियर्स को देश की प्राइम मिनिस्टर बनाता है, वॉलंटियर्स को देश की वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। प्रभु कलेशा के लिए जिसने एक दिन भी अपनी झाड़ू पोछा किया तू उसको याद रखता है पिता परमेश्वर। हर 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 आंसुओं से जो बोता है पिता परमेश्वर तू उस चीज़ को याद रखता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस दिन के लिए पिता, हम प्रिपेयर हो रहे पिता परमेश्वर हमारी दशांश और ऑफरिंग्स लेके तेरे सामने आने के लिए। पिता क्या सुंदर दिन तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, फर्स्ट वीक में तेरी प्रेसेंस में आने के लिए। जो भी आशीष, सैलरी, प्रॉफिट्स, इंसेंटिव्स, ब्लेसिंग्स तूने हमारी लाइफ में दिया उसको तेरे राज्य के लिए बोने के लिए पिता परमेश्वर। पिता जैसे हमने अभी प्रार्थना किया, अभी आज वचन जो शेयर किया पिता परमेश्वर, टेस्टिमनीज कैसे दूं, गवाहियां कैसे दूं, क्या सबके सामने क्या चीज़ खुलना चाहिए क्या नहीं खुलना चाहिए पिता, हमें वो कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए। पिता मैं जानता हूँ ऐसे गहरी बात बहुत बार समझाते नहीं पिता परमेश्वर, पिता बट मेरा प्रार्थना है जो लोगों को समझने का ताकत उन्हें दे रखी है वो सब समझे पिता परमेश्वर और वो इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में पिता परमेश्वर। पिता इस कलिशा में जो भी लोग बैठे हैं उनको दिखावट एटीट्यूड है उससे दूर कर परमेश्वर, कोई लोग डरता है गवाही देने के लिए उसको भी दूर कर परमेश्वर, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स में हम जाना नहीं चाहता पिता परमेश्वर, हम उस केयरफुली चलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए। पिता मदद कर उस हज़गाया जैसे हम बनना नहीं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, सब सब कर्ज और शराब हम लेके नहीं बैठना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मदद कर, पिता बुद्धि कर पिता परमेश्वर। पिता हर गवाही के लिए धन्यवाद, हर आशीष के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता हमारी गवाही जो फल के रूप में तूने दिया, हमारी टाइट और ऑफरिंग्स सब लेके तेरी प्रेजेंस में जब आता हूँ पिता परमेश्वर उसके ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।